Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my YouTube channel. Umeed hai ki aap sab khairiyat se. Start ki hui hai assembly language lectures ke ek playlist aur aaj mara hai lecture number 21. Hope so aapne previous lecture dekhe honge aur aapko samajh aa gayi hogi. Okay? To aaj ka hamara topic hai direct offset operands. Lekin topic ko read out karne se pehle aapse ek choti si request. If you're visiting my channel first time, so please don't forget to subscribe, share, and also don't forget to press bell button. Okay? So, aaj ka hamara topic kya hai? Direct offset operands. You can add a displacement to the name of a variable, creating a direct offset operand. This lets you access memory location that may not have explicit labels. कि अगर हमने किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है जिसका कोई भी लेबल नहीं है, जिसको हमने कोई भी वेरिएबल या फिर लेबल असाइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? उसको हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड्स. ओके, अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं. अरे बाइट बी के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, बाइट ली, और अंदर हमने उसके कुछ हेक्साडेसिमल नंबर लिखवाया. तो आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब हम ये अरे को करवाते हैं, अरे यूज़ करते हैं, तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल का एड्रेस होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में स्टोर होता है. ठीक है, वेरिएबल बी, अरे बी है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर होगा? 10 एज का एड्रेस. ओके, तो अब अगर हम मूव करें ए एल में अरे बी को, तो क्योंकि अरे बी में 10 एज फर्स्ट एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो क्या मूव करवाएगा? 10 एज फर्स्ट वेरिएबल. अब लेट्स सपोज अरे बी में प्लस वन किया, तो अरे बी में प्लस वन किया, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो प्लस वन हमारे पास क्या होता है? वन. तो इसका मतलब ये हमारे पास वन पे 20 एज पे चला जाएगा. द थर्ड पार्ट इज एक्सेस्ड बाय एडिंग टू. तो अगर हमने थर्ड पार्ट को एक्सेस करना है तो हम ऐड कर देंगे टू को, जैसे जीरो वन टू, तो ये हमारे पास 30 एज जो है वो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मेमोरी लोकेशन है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं जिसकी भी कोई बल जिसका कोई भी लेबल ना हो. ओके, तो अब वो ये कह रहे हैं, द इंस्ट्रक्शन रिट्राइव्स अ बाइट मेमोरी आउटसाइड द अरे. ये देखिए इस एग्जांपल में क्या है, हमारे पास कितनी बाइट्स हैं? सिर्फ 5 बाइट्स हैं. ये देखिए ना, 1 2 3 4 5, लेकिन हम एक्सेस कौन सी कर रहे हैं? 20. तो ये क्या कह रहे हैं, द इंस्ट्रक्शन रिट्राइव्स अ बाइट ऑफ अ मेमोरी आउटसाइड द अरे. 20 तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता. द रिजल्ट इज अ स्निकी लॉजिक बग. ये हमारे पास लॉजिकल बग है कि हम कोई ऐसी चीज रिट्राइव करवाना जो हमने रखवाई नहीं. सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन चेकिंग अरे रेफरेंसेस. तो हमने जब रेफरेंसेस को करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अरे में कितने नंबर्स हैं और हम कितने नंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, देखें अब एक और एग्जांपल देखें. हमारे पास अरे डब्ल्यू है वर्ड 100 एज 20 एज 30 एज. तो मूव हमने ए एक्स में करवाया अरे डब्ल्यू, तो बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल में क्या होता है? फर्स्ट वेरिएबल का एड्रेस. तो बाय डिफॉल्ट तो 100 एज आ गया. लेकिन अगर हम मूव करें ए एक्स में टू को, अरे डब्ल्यू में प्लस करें टू को, तो फिर हमें किधर जाना चाहिए? देखें ज़ीरो वन टू, तो यहाँ पे तो हमें 300 पे जाना चाहिए. आउटपुट तो हमें 300 मिलनी चाहिए, हमें 200 क्यों मिल रही है? यहाँ पे आपने आके कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि अरे हमारे पास कितनी साइज की है. देखें ये हमारे पास वर्ड साइज की, और कितनी बाइट्स लेता है वर्ड? 2 बाइट. का मतलब एक वेरिएबल को, एक ये नंबर को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स लेगा? 2 बाइट्स लेगा. ठीक है, पिछली हमारे पास अरे थी बाइट की, तो वो हर हेक्साडेसिमल नंबर कितनी बाइट्स ले रहा था? 1. लेकिन अब आ गई बात वर्ड की, तो वो कितनी बाइट्स लेगा? 2. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो 100 आ गया. लेकिन अगर हम हमने अरे प्लस 2 किया, तो यहाँ पे 0, और 0 प्लस 2 में हमने किया, तो ये क्योंकि 2 बाइट्स ले रहा है, तो 2. ठीक है, 0 2 4, इस तरह होगा ना इसका इंडेक्स नंबर. तो 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है? 2 एज. ठीक है, ध्यान से आपने पहले इसके डाटा टाइप देखने हैं, फिर आगे मूव करना है. और इसी तरह हमारे पास एक डी वर्ड के नेम से हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल नंबर है. ई ए एक्स में हमने मूव करवा दिया अरे डी.
तो वो तो फर्स्ट वाला ही रिटर्न करेगा 100 days, ठीक है। लेकिन अब बात देखें अरे प्लस 4, तो अभी क्योंकि हमारे पास हर बाइट्स कितनी लेगा, हेक्साडेसिमल नंबर 4 बाइट्स लेगा क्योंकि हमारे पास डी वर्ड है, तो अगर हम 0 प्लस 4 करेंगे तो हमें 2000, ये जो 20000 हेक्साडेसिमल नंबर है ये रिटर्न करवाएगा। होप सो आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी, ये ऑपरेंड समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। ये तो आपने पढ़ी होगी सी प्लस प्लस में भी, लेकिन यहाँ पे भी एक मतलब रीड आउट कर देते हैं, दी इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट। INC स्टैंड फॉर इंक्रीमेंट, DEC स्टैंड फॉर डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली एड वन। इंक्रीमेंट क्या करेगा, ऐड करेगा वन को, और डिक्रीमेंट क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा वन को फ्रॉम अ रजिस्टर और मेमरी। अब हमारे पास कौन सी दो चॉइसेस हैं, या रजिस्टर या मेमरी, इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं हो सकता। जैसे ये हमारे पास रजिस्टर्ड मेमरी और रजिस्टर मेमरी सेम होगा इसमें, ये सिर्फ दो ही सिंटैक्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स, डॉट डाटा माय वर्ड 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 टाइप के हमने लिया 1000 हेक्साडेसिमल। डॉट कोड में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया माय वर्ड में। तो अब माय वर्ड हमारे पास क्या है, वेरिएबल मतलब मेमरी, तो ये मतलब सिंटैक्स ठीक है। तो इंक्रीमेंट अगर हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, अब हमने क्या किया, मूव करवा दिया बी एक्स में माई वर्ड को, तो बी एक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1001 एज। तो अब अगर हमने डिक्रीमेंट करवाना है डी एक्स में, बी एक्स में, तो बी एक्स हमारे पास क्या है, रजिस्टर, इसका मतलब ये भी सिंटेक्स ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया था माई वर्ड, क्योंकि हमने माई वर्ड को बी एक्स में मूव करवाया था, और बी एक्स में हमारे पास आ गया था 101 एज। अब अगर हम बी एक्स में डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन 1001000 हेक्साडेसिमल। अब एक बात यहाँ पे और गौर से देख लें, दी ओवरफ्लो साइन जीरो ऑक्सिलरी कैरी एंड पैरिटी फ्लैग्स, ये वो वाले फ्लैग्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड। डेस्टिनेशन ऑपरेंड के मुताबिक ये चेंज होते रहेंगे। द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन डू नॉट अफेक्ट द कैरी फ्लैग। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन किस फ्लैग को अफेक्ट नहीं करती, तो आपने कैरी फ्लैग को सिलेक्ट करना, विच इज समथिंग ऑफ सरप्राइज। ओके, आज के लिए इतना ही, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड प्लीज़ अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर इट। ओके, हम मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखें।